मजबूरी हो जाएगी। तो चलिए हम अपना किसी देश के इशू को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप लेकर आए कार्य पत्रक 72 जो की हमें करनी है 26 सितंबर 2020 को। ये हमारे कक्षा छठी से आठवीं तक के लिए। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो देखिए, अगर आपने कभी अपने दादा दादी से पूछा होगा ये देखिए जो काम हम अभी करते हैं वो आपके समय में कैसे करते थे, तो देखिए वो जो है आपको बताते होंगे कि हमें ऐसे हाथ से करने पड़ते थे। हाँ, वो बहुत ज्यादा हार्ड है। हाँ, आजकल तो मशीनों ने इजी बना दिया, जैसे आजकल बस एक दबन दबाओ और जो है पंखा चलने लग जाता है, लेकिन पहले हमें हाथ से पंखा करना पड़ता था। तो ऐसे ही अन्य चीजें हैं, ठीक है। इसी जो है इसी टॉपिक पर ये वर्कशीट निर्धारित है। तो देखिए, हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसी मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहाँ लगभग हर जगह हर कार्य में मशीनों का प्रयोग होता है। देखिए, हम धीरे धीरे जो है ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके मतलब आ गए हैं जिसमें जो है हर कामों में जो है मशीनों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो नीचे दो चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखकर इनके नामों या इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखे, ठीक है। तब देखिए ऐसे ही कुछ है, ये जैसे पहले के जमाने में ही सब था और अब जो है ये सब आ गया है, ठीक है। तो देखिए अब जो हमें ऐसा जो है फील करना है, देखिए ये आदमी क्या बना रहा है, ये हाथ से टोकरी बनाना, ठीक है, हाथ से जो है टोकरी बना रहा है। और ये क्या कर रहा है, देखिए ये कर रहा है गंडा सा, ठीक है, चार। और देखिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं चार अभी है। और देखिए ये क्या हमारा हैंड पंप है। अब देखिए इस हैंड पंप से हमें क्या करना पड़ता था, जैसे ये यूं है हम इसको यूं खींचते थे और यहाँ से जो है पानी निकलता था, पर आजकल तो फिल्टर आ गए हैं, बस हमें जो है एक बटन दबाना होता है और पानी आना शुरू हो जाता है। हाँ, इसमें भी ये हैंड पंप ही है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए अब ये जो है हाथ से मिट्टी के कुछ घड़े बना रहे हैं। तो ये है हमारे कुम्हार, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, मिट्टी के जो है बर्तन बना रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए अब ये क्या कर रही है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कुछ चटनी और ये जो है इसको पीस रही है। देखिए आजकल तो जो है मिक्स ग्राइंडर्स आ गए हैं, पर पहले के जमाने हम सिल बटे यूज करते थे, ठीक है, चटनी बनाने। और अब हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर एक औरत है जो कि जो है हमारी खाट बना रही है, चारपाई बना रही है। और देखिए उसका मतलब है कपड़ा धागा कतरना, ठीक है, वो कपड़ा और फिर आप धागा भी कह सकते हो कतर रही है, हाँ, चारपाई बनाने के लिए। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पर है हमारा, ये क्या है, ये देखिए ये हमारा मिक्स ग्राइंडर, हाँ, ये क्या है हमारा, ये तो है, ये देखिए ये खेत में उपयोग होता है, ये हमारा हैरो। और अब ये क्या है, ये हमारा माइक्रोवेव, हाँ, माइक्रोवेव ने हमारा जो है बहुत काम आसान कर दिया। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए अब ये क्या है, ये है हमारा कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर ने भी जो है बहुत काम हमारा इजी कर दिया है। और अब हम आते हैं यहाँ पर, तो दिए कि ये क्या है, सिलाई मशीन, हाँ। अब देखिए जैसे कि आप इस यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये तो हाथ से जो है धागा कट रही है, हाँ, लेकिन अब देखिए ये मशीन आ गई है, ठीक है। और अब हम जाते हैं इस पर, तो देखिए ये हमारी आधुनिक मशीन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब ऐसे मेरे कि अब आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। देखिए ये पहले मशीन युग से पहले का समय और ये मशीनी युग में हमें कुछ वाक्य बनाने हैं। तो अब देखिए अगर हम जाते हैं, देखिए यहाँ मशीनी युग से पहले का समय जो है हमारा जीवन कठिन था, हाँ, लेकिन जब मशीनी युग आया हमारा जीवन बिल्कुल सरल हो गया है, हाँ, जैसे पहले हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और प्रत्येक काम हाथ से, देखिए हमें एक एक काम हाथ से करना पड़ता था, अभी यहाँ पर है प्रत्येक काम मशीनों से, अब तो हम मशीनों से ही करते हैं, हाँ, जैसे मैंने आपको पंखों का एग्जाम्पल
देखिए बस हमें पहले हाथ से पंखा करना पड़ता था, पर अब हमने बस एक स्विच में दबाया और पंखा चालू हुआ। और ये देखिए तीसरा, ज्यादा समय, अब ज्यादा समय लगता था। हाँ अगर हम कुछ जैसे देखिए आप सिलाई का ये एग्जांपल ले लेते हैं तो देखिए बहुत टाइम लगता है एक स्वेटर बुनने में। हाँ लेकिन देखिए जब सिलाई मशीन आई जब से ही तब से देखिए हमारे कम समय में ज्यादा काम होने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए कम काम होता था हमारा, ज्यादा समय लेते थे फिर भी कम काम होता था हमारा, पर यहाँ कम समय में ही बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो पांचवा, मेहनत ज्यादा करते थे। अब देखिए पहले हाथ से करना है, देखिए जो है हमारी मेहनत है। देखिए यहाँ पर पांचवा है मेहनत कम, अब तो देखिए हमें बस एक टपन दबाना होता है, तो फिर अब इसमें तो है थोड़ी सी हमारी मेहनत कम हो गई है। तो अब देखिए यहाँ आपको अगर अपना भी कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो अब उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा लाइक कर ही देना, और इस वीडियो को शेयर नहीं करा है तो कर देना, हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर देना, और ये जो साइड में घंटा आ रहा है आपको उसको भी दबाना है, और फिर ये जो ऑल का ऑप्शन आ रहा है उसको भी दबाना है आपको, ठीक है, ताकि आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो के बाय।